end the topic. यंत्र में आते हैं, रसो निस्यंदते एन यंत्र तद्धिति कथते, जिस साधन के द्वारा पारा को नियंत्रित किया जाता है उसे हम यंत्र कहते हैं। आनंद कंद ने ये परिभाषा दी है, आनंद नियंत्रण में, आनंद नियंत्रण में आनंद है, मतलब आप देखो मन को अगर आप दो रोटी में खुश हो तो नियंत्रण में आनंद है, नहीं है तो आप तो फिर सोना चांदी भी रख लो तो पेट नहीं भरेगा, तो नियंत्रण में आनंद है, नियंत्रण वाली परिभाषा आनंद कंद की। रसायनों ने बोला कि यंत्र एक परम रहस्य है, क्षण भर में इसमें पारद का बंधन हो जाता है, तो रसायनों ने बोला है कि यंत्र एक रहस्य है जो कि पारद का बंधन करता है, तो ये नियंत्रण करता है ये बंधन। आनंद जो है वो नियंत्रण में है और बंधन जो है रस रस के साथ हमारा बंधन है कि हम पढ़ाई करने के बाद में गन्ने का रस पीते ही पीते हैं, गन्ना रस पीते ही पीते हैं हम, तो बंधन रस में है और आनंद में नियंत्रण, ये दो चीजें दिमाग में रखनी है। तो वो शब्द अपने आप दिमाग में गूंजते हैं कि जिस साधन के द्वारा पारा नियंत्रित होता है वो आनंद गंध की परिभाषा है और जिसने पारा का बंधन होता है वो रसायनों की है। फिर आते हैं यंत्र की संख्या, तो यंत्र की संख्या संहिता में 45 है, तो संहिता तो बड़ी होती है हमेशा मालूम है, संहिता में 45 है सबसे ज्यादा। आनंद गंध भी नियंत्रण करके है ना, चार कम रहा लेकिन 41 पे है आनंद गंध। रस समुच्चय तो अभी डिटेल पढ़ना है अपन को, 32 ये व्यवहारिक है एग्जाम में आते भी यही है। रसायन चूना मणि में जो है वो गए हैं 30, रस तरंगनी के हैं 20 और रसायनों के होते हैं बंधन में रखोगे तो आप परिणाम कम मिलेगा, बंधन वाले में सबसे कम है 15 है ना, मतलब इससे हाफ, रसायन चूना मणि से हाफ होते हैं रसायनों। ठीक है, तो दो दो करके याद करते हैं हम कि पारद संहिता में सबसे ज्यादा है, कितने ज्यादा है कि 45 बताएं, 45 बताएं, 45 बताएं। आनंद कंद को आनंद है कि भैया उसने भी कम नहीं है, उसके पास कमी नहीं है, चार ही कम है ना, 41 बताएं आनंद कंद ने कि हमारे पास चार ही कम है, ज्यादा कम नहीं है, इस चीज का आनंद है उसको। समुच्चय तरंगनी तो भूलने वाली बात ही नहीं है, समुच्चय हमें अभी पढ़ना है कि समुच्चय के 32 होते हैं और तरंगणी जो है उसमें से 20 ही बता पाई, तरंगणी में 20 है। अब दो के और याद करने, रसेंद्र चूनामणि के जिसके 30 है और रसायनों में उसके आधे हैं 15। एक बार फिर से बोलते हैं कि आपके पारद संहिता में सबसे ज्यादा है 45, आनंद कंद को भी आनंद मिला कि हमने कम नहीं बताया, चार ही कम है हमारे पास, 41 है। रस समुच्चय में सबसे ज्यादा पढ़ना है अपन को 32 और तरंगणी में है 20, रसायन चूड़ामणि में 30 है और उससे आधे हैं रसायनों में 15, 32 होते हैं, 32 ऑप्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझना है अपन को। सबसे पहले आते हैं दोला यंत्र में, तो पारद एवं अन्य धातुओं के स्वेदन के लिए होता है दोला यंत्र है ना, और स्वेदनी यंत्र भी, स्वेदनी यंत्र तो उसके नाम में लिखा है स्वेदन, तो यहाँ पर अगर दोला यंत्र काहे के लिए होता है, स्वेदन के लिए, एग्जाम में ध्यान रखना। और अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप एक गाना गाओ जो कि माधुरी दीक्षित का है, डोला रे डोला रे डोला, इतना डांस है उसमें डोला रे डोला रे डोला कि आपको पसीना आ ही जाएगा, इससे आपको पसीना यानी स्वेदन हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये पहला याद हो गया दोला यंत्र, व्यवहारिक रूप से बात करें तो वो दोला यंत्र अपन ने सामने देखा हुआ है, स्वेदन के लिए होता है दोला यंत्र, स्वेदनी यंत्र स्वेदन के लिए होता है, ये तो भी याद ही नहीं करना है। पातना यंत्र क्या के लिए होता है, पातन के लिए होता है, तो ये भी कुछ याद करने की चीज नहीं है, पारा दांतों के पातन के लिए होता है। डमरू यंत्र इम्पोर्टेंट है, डमरू यंत्र में लिखा है कि वो ऊर्ध्वपातन के लिए होता है। ठीक है, तो डमरू यंत्र ऊर्ध्वपातन के लिए होता है, ये हमें ध्यान रखना है। याद रखने का तरीका जैसे शिव जी का जो त्रिशूल होता है उसमें ऐसा याद करना है कि डमरू जो है ऊपर बना रहता है, ऊपर नीचे नहीं, कहाँ बना रहता है, ऊपर बना रहता है, यहाँ ऊपर बना रहता है, तो
ऊपर बंधा है उससे यहाँ रखना है कि उत्पादन के लिए होता है डमरू यंत्र, डमरू उत्पादन के लिए होता है ऐसा याद कर लेना है। फिर आओ आधा पादन, है ना, नाम में छुपा हुआ है, आधा पादन के लिए होता है, तिर्यक पादन के लिए होता है, तो ये तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। दीपिका यंत्र आधा पादन के लिए होता है, ये तो हम पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें हम इसको याद कर लेते हैं कि दीपिका यंत्र काहे के लिए होता है। तो एक कहावत होती है कि दीपक तले अंधेरा, तो दीपक सबको प्रकाश देता है और दीपक के तले, खुद के तले जो है अंधेरा रहता है। तो दीपक के नीचे अंधेरा है, दीपिका यंत्र जो है वो आधा पादन में काम में आता है। फिर आओ ये दो जो है, डेकी और नाड़ी यंत्र, ये तिर्यक पादन में काम में आते हैं। तो याद रखने का तरीका है कि यहाँ डेकी को मिला मैंने डे, डे यानी दिन की, देखी दिन की नाड़ी, दिन में नाड़ी जो है वो तिर्यक चलती है। मैंने ऐसे याद किया है कि ये डे की नाड़ी कैसी चलती है, तिर्यक चलती है। तो डे की नाड़ी यानी दिन में, रात में थोड़ा शांत हो जाती है, दिन में नाड़ी तिर्यक चढ़ती है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपन इसके बाद में। जारणा यंत्र, तो जारणा यंत्र जारण के लिए होता है, तो ये में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कच्छप यंत्र कह के लिए होता है, तो गंधक जारण के लिए, सत्व जारण के लिए, बीड जारण के लिए होता है। कच्छप यंत्र भी कह के लिए होता है, जारण के लिए, गंधक जारण के लिए होता है, सत्व जारण के लिए होता है। कछुआ जा रहा था तो हमने पूछा जा रहा हूं मैं, आवाज दोगे क्या, तो बनेगा नहीं 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 कछुए को, जा रहा हूं मैं आवाज दोगे क्या, बोले नहीं, कछुए को कोई आवाज नहीं दे रहा है। जारण में काम में आता है, एक दो नहीं चार चार जारण में काम में है। फिर आप विद्याधर यंत्र, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है, हिंगो से पारद निष्कर्षण में जो है विद्याधर यंत्र काम में आता है। तो आपको मालूम है कैसा रहता था ये विद्याधर, ये एक चूल्हा होता था, चूल्हे में आग लगी है, यहाँ पर हमने एक घड़ा रखा है ना, घड़े में यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, फिर घड़े के ऊपर हम एक और घड़ा रख देते हैं, है ना, इसमें ठंडा पानी होता है, तो यहाँ से पारद ऊपर जाता है, यहाँ पैंदी में चिपक जाता है, तो उससे हिंगोल से पारद का निष्कर्षण हो जाता है। तो कुल मिला के एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखने से विद्या आ जाती है, ऐसा करके विद्या आपको ध्यान रखना है। एक घड़े से घड़े के ऊपर एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखने से, क्या आ जाती है, विद्या आ जाती है। ऐसा आपने याद कर लिया तो आप बिल्कुल आंसर जवाब दे दोगे कि विद्याधर यंत्र कै में काम में आता है, हिंगो से भारत के निष्कर्षण में काम में आता है। ये सभी ने चित्र देखा हुआ है कि वो एक मटके को नीचे से गर्म करते हैं, फिर उसमें ऊपर पैंदे में चिपकने लगता है, क्योंकि ऊपर अपन ठंडा पानी रख देते हैं दूसरे मटके में। फिर आओ सोमानल यंत्र, सोमानल यंत्र कै में काम में आता है, अभ्रक आदि के सत्व चारण में काम में आता है। तो सोम हमारे पास है, मतलब जैसे किसी ने बोला ओ घर में बियर रखी है, बिस्की रखी है, भाई कौन आ रहा है पीने, तो यहाँ पर सोम है, सोम किसके साथ पीना है, उसको अभ्रक के साथ पीना है, सोमानल अभ्रक आदि के सत्व जारण में काम में आता है ना। एक बोतल सोम पड़ा है, आ जाओ अभ्रक। गर्भ में आते हैं, गर्भ यंत्र जो है वो सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण के लिए होता है। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग होते हैं, है ना, उनमें जो सोमनाथ
शिवलिंग होता है वो हमेशा गर्भ ग्रह में होता है, आप सभी ने देखा होगा, चाहे महाकाल में गए होगे, वो मंदिर में नीचे गर्भ ग्रह में होती है। तो गर्भ ग्रह से गर्भ याद रखना है। और आपको सोमनाथ तो मालूम है, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। तो गर्भ यंत्र जो है सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण के लिए होती है, पिष्टि बनाए हुए पारद की भस्म बनाने के लिए। तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको जो जितने भी ज्योतिर्लिंग है, जो कि लोग उसको मूर्ति को टच करते हैं, तो उसका क्षरण हो रहा है, मतलब शिवलिंग का आकार घटता जा रहा है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए सबसे अच्छी चीज है वो पारद। पारद का लेप लगाने से उनका क्षरण कम होता है। तो ये थोड़ा नॉलेज से मैंने समझाने की कोशिश की है कि गर्भ से आपको क्या समझना है, गर्भ से आपको गर्भगृह समझना है। क्या समझना है? मंदिर का जहां पर मूर्ति रखी होती है ज्योतिर्लिंग में, वो गर्भगृह कहलाता है, क्योंकि सब जगह मूर्ति जो है वो नीचे होती है भूमि के तल से। एक जगह अपवाद हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके सोमनाथ से आपको याद रखना है। फिर हंस पार्क काहे के लिए होता है? बिडो पार्क के लिए होता है। तो हंस जैसे कपड़े, यानी ये व्हाइट कलर की साड़ी पहनेगा कोई, जब वो बिडो हो जाएगी। बिडो यानी बिडो विधवा को कहते हैं। तो बिडो पाक के लिए हंस पाक यंत्र है। बालू का जो है यंत्र, लवण यंत्र और नीली का यंत्र, ये तीनों कूपीपक में काम में आते हैं। कूपीपक की जो बोतल है उसको कपड़ मिट्टी करके अपन रखते हैं, तो अगर हम बालू में रख देंगे तो बालू का यंत्र कहलाएगा, अगर हम जो है लवण में रख देंगे तो लवण यंत्र कहलाएगा, और कांच की जो है शीशी में रख देंगे, छोटी छोटी टुकड़ों में रख देंगे तो नीली का यंत्र कहलाएगा। तो ये बालू का यंत्र, लवण यंत्र, नीली का यंत्र, ये कूपीपक गंधक जागरण के लिए होते हैं। इसमें लवण यंत्र स्पेशल ध्यान रखना है कि वो मृगांग और राजमृगांग रस के निर्माण में काम में आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। फिर आप भूधर यंत्र कह के में काम में आता है। तो भूधर यंत्र जो है गंधक के अंतर धूम जारण में होता है। तो अगर हम किसी को भूमि के अंदर रख के जलाएंगे तो धुआं तो निकलेगा ही, अंतर धूम है ना, भूमि के अंदर अगर आग होगी तो धुआं निकलेगी। अंदर से क्या निकल रहा है? भूमि के अंदर से धुआं निकल रहा है। उधर जो है वो अंतर धूम जागरण के लिए होता है। पुट क्या होता है? तो पुट यंत्र भस्मों के निर्माण के लिए होता है। ये तो अभी अपन डिटेल पढ़ना है। पुट पुट में भस्में बनती है। कोष्ठी से सत्व निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट निकलते हैं धातु रत्नों के। बल्वी यंत्र जो है स्वेदित पारद को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए होती है। तो बड़वी यंत्र जो है वो सड़गुण संपन्न यानी बलवान बनाने के लिए होती है। कह के लिए होता है बलवान। बलवान वही होता है जो मुक्का खा के गिरने के बाद में उठ जाए, उठ जाए यानी मूर्छित पार्षद के उत्थापन में बलवी यंत्र काम में आता है। बलवान वही है जो मुक्का तो खाए गिरे लेकिन उठ जाए, तो मूर्छित पार्षद के उत्थापन के काम में आता है बलवी यंत्र। पाली का यंत्र, पाली का यंत्र जो है गंधक जारण में काम में आता है। पाली जैसे एक वो होता है शादी में, बोले दुल्हन की विदाई में होती है डोली में, तो डोली यानी यहाँ पारद की पाली में कौन आएगा? गंधक, क्योंकि पारद जो है वो शिव वीर है और गंधक जो है गौरी रज है, शिव पार्वती को रिप्रेजेंट करते हैं गंधक पारद। तो पाली में कौन आया? गंधक है ना, पारद की पाली में कौन आया? गंधक, ऐसा याद रखना है। घट यंत्र यानी घड़ा, घड़े को अगर हम पानी में डाल दें तो वो तैरता है, तो पिलवन में। पानी भर जाए तो पानी पिला दो, तो तर्पण में। तो घड़ा काम में आता है तर्पण और पिलवन में, तर्पण और पिलवन के लिए होता है घट यंत्र। घड़ा, मटका, शुद्ध भाषा में बोले मटका, जो अभी अपन गर्मियों में मटका है उसके लिए वो बात कर रहे हैं कि वो पलवन और तर्पण में काम में आएगा। सोनी महिवाल पिक्चर है, उसमें वो मटके के माध्यम से तैरता थे, तो हिस्टोरिकल है पलवन यानी तैरना घड़ेगा। फिर ईष्टिका यंत्र,
है ना, पारद में गंधक जाड़ने के लिए आता है ईष्टि का यंत्र। तो पारद को, ईष्ट का मतलब होता है प्रिय, पारद को गंधक प्रिय है, यानी वो उसका ईष्ट है। ईष्ट का यंत्र जो है पारद में गंधक जारण के लिए होता है। हिंगुल आकृति विद्याधर यंत्र, तो अपन ने कहा यार हमको पहले ही विद्या विद्या आ चुकी है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं। हमारे कंसेप्ट पहले ही क्लियर है कि विद्याधर जो है हिंगुल से पारद निष्कासन के लिए होता है विद्याधर, पहले ही। तो चाहे हिंगुल आकृति विद्याधर हो चाहे विद्याधर हो, दोनों के एक ही यूज है हिंगुल से पारद निष्कासन के लिए। नाभि में से धुआं तो नहीं निकल सकता, नाभि जरूर पित्त का स्थान है, नाभि जरूर पित्त का स्थान है, पित्त यानी अग्नि का स्थान है नाभि, लेकिन नाभि में से धुआं नहीं निकलेगा। तो शुद्ध गंधक के साथ पारद के निर्धूम जारण के लिए, निर्धूम जारण के लिए होती है नाभि यंत्र, नाभि में से धुआं नहीं निकलेगा भाई। ग्रस्त यंत्र है ना, लोग अगर आपका बेटा पारद की तरह चंचल है, एक गांव देहात की कहावत है कि लड़का अगर चंचल है तो उसकी शादी करके गृहस्थी में बांध दो, गृहस्थी में अपने आप जिम्मेदारियां आ जाएंगी, बांध दो। तो हमें ये गृहस्थ है और ये बंधन है, हमें इनको बांधना है। गृहस्थ यंत्र जो है पारद बंधन के लिए होता है। फिर आओ आपका स्थाली यंत्र, स्थाली यंत्र धातुओं को मृदु करना, मल एवं विषांश को दूर करने के लिए होता है स्थाली यंत्र। स्थाली में स्था आता है, स्थावर विष होता है आपको मालूम है, विषांश को दूर करने के लिए है स्थाली में स्था भी आता है, स्थाली से याद करना है आपको स्थावर विष। स्थावर विष अगर याद आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि विषांश को दूर करने के लिए होता है स्थाली यंत्र। धातुओं को मृदु करना, मल और विषांश को दूर करने के लिए होता है स्थाली यंत्र। धूप यंत्र होता है जरना द्रव साधने, द्रव साधन में होती है। तो धूप में द्रव साधन यानी पानी की बोतल लेके चलो आप, ऐसा याद कराना चाहता हूं मैं आपको। द्रव को साधना चाहिए मतलब पानी भर के रखो आप, धूप अगर ज्यादा तेज हो तो धूप में आपको द्रव को साधन करना है, द्रव को साध के रखना है। जाड़ना द्रव साधन में काम में आता है धूप यंत्र। कंदुक कहते हैं गेंद को, बॉल, कंदुक मतलब क्या होता है, कंदुक कहते हैं बॉल, फुटबॉल हो चाहे बॉल हो, कोई भी बॉल से आप खेलोगे तो आपको पसीना जरूर आएगा। कंदुक इच गेंद, गेंदबाज बॉल को कहते हैं, तो उससे जब आप क्रिकेट खेलोगे तो आपको पसीना आएगा। कंदुक यंत्र होता है स्वेदन के लिए। खल्व यंत्र तीन होते हैं, एक तो अर्धचंद्राकार होता है वो श्रेष्ठ होता है ना, आधे चांद वाला श्रेष्ठ होता है, बर्तुल यानी गोलाकार जो है, दूसरा गोलाकार होता है, तीसरा तत्व खल्व होता है जो लोहे कांत लोह से निर्मित होता है। तो कौन सा श्रेष्ठ होता है, अर्धचंद्राकार श्रेष्ठ होता है। ठीक, अब आते हैं अपन बाकी बचे जो समुच्चय के अलावा दूसरे बताए गए हैं। तो अर्धचंद्राकार जो होता है वो 10 अंगुल लंबा, 16 अंगुल लंबी और 10 अंगुल चौड़ी और 10 अंगुल गहरी होती है। अर्धचंद्राकार में सब 10 अंगुल है, एक को छोड़ के एक चीज जो है 16 अंगुल लंबी है, बाकी सब 10 अंगुल में चल रहा है। तो हमने इसको 10 में से 10 नंबर दे दिए, कहना 10 नंबर से 10 नंबर ले लो, श्रेष्ठ है। 16 अंगुल लंबी है, बाकी सब 10 अंगुल ही होते हैं। बर्तुल जो है, बर्तुल एक बित्था होती है, एक बित्था में 12 अंगुल आते हैं,
एक वृत्ता के बराबर होता है बर्तुल, 12 अंगुल लंबी, 12 अंगुल चौड़ी और 4 अंगुल गहरी होती है बर्तुल। तत्व खल जो है वो 9 अंगुल लंबी, 9 अंगुल चौड़ी और 6 अंगुल गहरी होती है। तो 9 अंगुल है, तो 9 तपा अभी लगने वाले हैं आजकल में, आजकल थोड़े दिन बाद 9 तपा, 9 तपा यानी 9 अंगुल लंबी चौड़ी होती है। मूसल इसकी 8 अंगुल लंबी होती है। ऐसे करके याद करना है। अर्धचंद्राकार में 10 में से 10 नंबर दे देना है, क्योंकि वो श्रेष्ठ होती है। और बर्तुल मतलब एक वृत्ता, 12 अंगुल लंबी चौड़ी होती है, गहरी 4 अंगुली होती है। और तत्व खल 9 तपा, 9 अंगुल लंबी और चौड़ी होती है, 6 अंगुल गहरी होती है। फिर आप कुछ तरंगिणी के जो पाताल यंत्र जो है वो काय के लिए होता है, तो पाताल में से क्या निकालते हैं? तेल। आजकल एक ही है सब, भूमि के नीचे से तेल निकालना। पाताल यंत्र जो है तेल निष्कासन के लिए होता है, चाहे वो गंधक तेल हो, बल्लातक तेल हो, विश्वामित्र कपाल स्नेह हो, उसके लिए। पिठर यंत्र जो है, पिठर है ना, 3 टिकट महाविकेट, 3 लोगों की पिटाई हो जाती है, हमेशा इकट्ठे होते हैं जैसे। तो त्रिभंग के शोधन में काम में आती है, नांग मंग और रेशभ के शोधन में आता है पिठर यंत्र। तो 3 टिकट महाविकेट, 3 लोगों की हो रही है पिटाई, में है नांग मंग और यह सब। तुला यंत्र जो है तौलने के काम में आ रहा है, प्रकार से पारद में गंधक हरदान मनासिला के चारण के लिए होता है। तो तुला में हम क्या तौल रहे हैं? पारद, गंधक, किला, हड़ताल और मनासिला। मृदंग यंत्र कृत्रिम अंगों से पारद निष्कर्षण में काम में आता है। तो विद्याधर के बाद में मृदंग यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कृत्रिम अंगों से पारद निष्कर्षण में काम में आता है। नाद यंत्र भी वैसे ही है, पारद से हिंगोल से पारद निष्कर्षण में काम में आता है। तो मृदंग और नाद ये सब बजाने वाली चीजें हैं, दोनों ही पारद हिंगोल से पारद निष्कर्षण में काम में आते हैं। चक्र यंत्र का वर्णन जो है रसायनों में है। और रौद्र यंत्र का मतलब होता है धूप में रखना, धूप में रखने को, गुस्सा आ गया, धूप, थोड़ा सा गर्मी तेजी, रौद्र यंत्र का मतलब होता है धूप में रखना। और रसायनों ने चक्र यंत्र बताया, तो तरंगिणी और समुच्चय तो वैसे ही पढ़ लिया अपन ने, इनने ये जो चक्र यंत्र है वो रसायन होगा। ठीक।